हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग कंफ्यूजन में हो कि आपको एक अमेरिकन बुलडॉग पालना चाहिए या फिर आपको गुलडॉग की तरफ जाना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, गुलडॉग जो है वो एक इंडियन डॉग ब्रीड है, और वहीं पे अमेरिकन बुलडॉग जो है आपने टॉम एंड जेरी शो के अंदर देखा होगा, जो डॉग था वो अमेरिकन बुलडॉग के टाइप का था, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो एक ब्रिटिश बुलडॉग होता है, एक आपका अमेरिकन बुलडॉग होता है। इस पर भी कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट कर देना, बाकी ये वीडियो देख लो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसी चलते बात आ जाती है कि दोनों डॉग ब्रीड में से क्या हम किसी डॉग को फैमिली के लिए सूटेबल मान सकते हैं, नहीं मान सकते। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप दोनों में से किसी भी डॉग को आप फैमिली के लिए सूटेबल रख सकते हो, बस आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है, आपने डॉग के साथ सोशलाइज करा सकते हो अपने डॉग को, कि दोनों डॉग ब्रीड में एग्रेशन हद से ज़्यादा। आप नहीं चाहते आपके घर पर कोई गेस्ट है और उसके ऊपर आपका डॉग अटैक कर दे, भले वो आपका अमेरिकन बुलडॉग हो या फिर गोल्डॉग हो, अच्छा खासा डैमेज पहुँचाएंगे। दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इनके बाइट फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। गोल्डॉग आपका गुल टेरियर और फिर आपका एक बुली कुत्ते का मिक्सचर है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी बाइट फोर्स कितनी ज़्यादा होगी। मीडियम टू लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड में आ जाते हैं, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग्स हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका डॉग कितना अच्छा खासा डैमेज दे सकता है अगर वो किसी के ऊपर अटैक करे। आप अपने डॉग को बचपन से सोशलाइज कराएं, भले आपके पास कोई भी डॉग ब्रीड हो, तो सोशलाइजेशन सब डॉग के लिए मस्ट होती है। अगर आप लोग सोशलाइज करा सकते हो तो आप बेझिझक इनमें से किसी भी डॉग को रख सकते हो। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मांगते हैं, थोड़ी ना एक स्टबर्न टाइप की डॉग ब्रीड है, जल्दी चीज़ सीखना पसंद नहीं करेंगे। आप बेसिक कमांड दोगे तो बेसिक तो सीखे नहीं, लेकिन जो ऐसे ये किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, कि छोड़ नहीं रहे उसे। अगर आप एक ट्रेनर हायर कर लो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जो कि प्रॉपर्टी गार्डिंग या फिर फार्म हाउस के लिए रखते हैं, उनके लिए बेस्ट डॉग ब्रीड साबित हो सकती है, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस के डॉग ब्रीड दोनों के दोनों, और दोनों को आप हॉट क्लाइमेट में इजीली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोल्ड क्लाइमेट में रखते हो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अमेरिकन बुलडॉग में आपको कई तरीके की टाइप देखने को मिलती है, अगर आप चाहते हो मैं उन्हें कवर करूँ तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूँगा कि अमेरिकन बुलडॉग में कितने टाइप देखने को मिलती है। क्योंकि कई लोगों को टाइप में दिक्कत आ जाती है कि भाई हम कौन से डॉग की तरफ जाएँ, कौन सी की तरफ ना जाएँ। और एक और चीज़ है इनके प्राइस के बारे में, जो आपको अमेरिकन बुलडॉग है वो आपका स्टार्टिंग प्राइस होता है 50,000 प्लस से ही। अमेरिकन बुलडॉग का बता रहा हूँ, 50,000 के नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर गुलडॉग की बात करते हैं, गुलडॉग आपको ईजिली 10-20,000 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता रहता है इनका प्राइस का और प्योर ब्रीड का होने का। अगर और काफ़ी ज़्यादा भी जा सकते हैं, इनका एंड लिमिट किसी भी डॉग की कुछ नहीं होती, वो इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा अच्छा डॉग होगा उतने ज़्यादा उनके प्राइजेज होते हैं, सबको ये चीज़ पता है। ये दोनों ही डॉग ब्रीड में आपको ट्रेनिंग में टाइम लग सकता है, अगर आप ट्रेनर हायर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों ही डॉग ब्रीड का एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन गुलडॉग का कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है अमेरिकन बुलडॉग के कंपैरिजन में। बच्चों के लिए दोनों डॉग ब्रीड ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, लेकिन आपको एक सुपरविजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलती से अगर बच्चे ने गलती से हाथ वाथ कर दिया और डॉग को गुस्से में हल्का सा पकड़ लिया तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकते हैं ये। उसके चलते आपको अपने बच्चों को बचपन से ही डॉग के साथ रखना पड़ेगा, जब से छोटा साथ है, जिसके चलते आपका डॉग ज़्यादा एग्रेसिव ना बने, और आपको एक सुपरविजन में रखना ही पड़ेगा, जिसके चलते बच्चा ज़्यादा हरकतें ना कर दे कि डॉग एग्रेशन शो कर दे उसके ऊपर। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसे कोई केसेस नहीं आए हैं कि गुलडॉग या फिर अमेरिकन बुलडॉग ने बच्चों को ऊपर अटैक करा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप दोनों डॉग ब्रीड को इजीली रख सकते हो। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है, अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ये दोनों डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। कई लोग सोचेंगे भाई ये बुली कुत्ते का मिक्स है, तो बुली कुत्ते इंडियन मैस्टिफ है, मैस्टिफ टाइप के डॉग लेजी होते हैं, या फिर ज़्यादा वॉक के लिए हम सवेरे ले जाएंगे और फिर बाकी पूरे टाइम घर पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों का मिक्स है, हमें पाकिस्तानी बुली का भी और गुल टेरियर का भी, तो जाके बनता है गुलडॉग। तो इसके चलते इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इनमें टाइगर जैसी एजिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होती है। गार्डिंग के लिए बेझिझक आप दोनों डॉग में से किसी को भी रख लो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। दोनों डॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे गार्डिंग पर्पज से भी, घर की गार्डिंग भी कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की भी, अगर आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है या फिर फार्म हाउस के लिए आप डॉग देख रहे हो तो बेस्ट डॉग ब्रीड रहेंगे आपके लिए। किसी और डॉग की तरफ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी सही रहेंगे। अगर आप इनका सिंगल भी छोड़ते हो तो भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे डॉग्स के लिए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन होता है, तो उसके चलते आपको इन्हें बचपन से सोशलाइज करना पड़ेगा। ये दोनों डॉग के लिए सोशलाइजेशन हद से ज़्यादा मस्त है,
अभी मैं आप देख रहे हो कि मैं सोशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे ले तो आते हैं लेकिन फिर उनसे संभाला नहीं जाता, जिसके चलते प्रॉब्लम आती है। अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अमेरिकन बुलडॉग के चलते। बुलडॉग की जो पॉपुलैरिटी थी वो इंडिया के अंदर धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसके चलते इंडिया के अंदर आपको प्रॉपर प्योर बुलडॉग के ब्रीडर काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको कहाँ से एक प्योर बुलडॉग देखने को मिल जाए और वो ब्रीडर अपने रेट उसी हिसाब से बताएंगे। ठंडी जगह के लिए ज़्यादा ही डॉग ब्रीड सूटेबल नहीं है, इनका कोट शॉर्ट होने के चलते आपको इनकी ग्रूमिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भले वो आपके पास आपका बुलडॉग हो या फिर गुलडॉग हो, दोनों को आप इजीली ग्रूम कर सकते हो, ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी ग्रूमिंग में। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी अब कई बंदों के डाउट आएंगे कि भाई हम अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारा अपार्टमेंट बड़ा है क्योंकि हम इसे रख सकते हैं, या फिर हम शहर में रहते हैं तो रख सकते हैं, हमारे घर है प्रॉपर तो आप रख सकते हो, बस आपको इनके एक्सरसाइज का ध्यान देना पड़ेगा और इनकी ट्रेनिंग का। अगर आप दोनों चीज़ों पे काम कर सकते हो तो आप बेझिझक रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उन बंदों को आती है जो कि डॉग ले लेते हैं लेकिन फिर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, उसकी एक्सरसाइज के भी और उसकी जो मेंटल एक्सरसाइज होती है जो कि ट्रेनिंग हो जाती है, इन दोनों चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम आती है डॉग रखते हैं। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप बचपन से उस डॉग को रख रहे हो और प्रॉपर एक क्लाइमेट के हिसाब से ढाल रहे हो, जैसे आपके घर का है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अपने डॉग को ज़्यादा बांध के मत रखना अगर आप अपार्टमेंट साइड में रख रहे हो, क्योंकि कई बंदे डॉग ले लेते हैं और फिर बांध के रख देते हैं तो उसके चलते भी डॉग के अंदर एग्रेशन डेवलप होते हैं। आपको इसमें क्या करना है, जब आपका डॉग फूड खाता होगा तो आपको अपने डॉग कई बार हाथ से खिलाना है, उसके डॉग बॉल के अंदर हाथ भी डालना है, जिसके चलते उसका एग्रेशन कम हो जाए, फूड एग्रेशन जो होता है, क्योंकि ये दोनों डॉग ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा होता है फूड एग्रेशन। आपको उस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका डॉग को आप उस हिसाब से रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।